तो आज हम लोग आपको बताने वाले हैं कि आप लोग किस तरीके से GTA 5, GTA 5 रोल प्ले, 5M और पैराडाइज रोल प्ले के अंदर अपने आप को साबित कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गूगल के ऊपर। देखो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आप लोग के पास होनी चाहिए ओरिजिनल GTA, क्या ओरिजिनल GTA होनी चाहिए आप लोगों के पास, जो कि आप लोग या तो स्टीम से, एपिक से या रॉकस्टार से आप लोग ले सकते हो। ठीक हो गया, तो वो आप लोग के पास दो तीन तरीके होते हैं। एक तो होता है कि भाई दो नंबर तरीका, देखो के बाद तुम लोगों ने वो बाय करने के बाद उसको डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है इधर गूगल पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग आके सर्च करोगे 5M, ठीक है। ये आप लोग आए, यहाँ पे आप लोगों ने इधर आके सर्च कर लिया 5M। यहाँ पे आके आप लोगों ने सर्च किया 5M, 5M का पहला ही लिंक होगा, पहले लिंक पे आप लोग जाओगे, 5M का क्लाइंट होगा, इसको डाउनलोड करोगे, डाउनलोड हो जाएगा, उसके ऊपर डबल क्लिक करके आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। सिंपल इज दैट, कोई लंबा चक्कर नहीं है। तुम लोगों ने कर लिया, अब तुम लोग उसके बाद जाओगे इधर, अपना तुम्हारा 5M के इधर आइकन बना हुआ आ जाएगा, जैसे तुम लोगों ने उसको डाउनलोड करोगे, इसको तुम लोग फिर ओपन करोगे। अब मेरा उनको डाउनलोड हुआ हुआ है, तो मेरा कुछ और डाउनलोड नहीं होगा, डायरेक्ट मेरा लॉन्च हो जाएगा, मेरा वेरीफाइंग कॉन्टेंट होगा, तुम्हारा वेरीफाई के बजाय दो तीन चीजें और डाउनलोड होंगी। ठीक हो गया, ये जैसे तुम लोगों का हो जाएगा, ओपन हो जाएगा तुम लोगों ने, इस बात तुम लोग आगे बताता हूँ। ओपन होने के बाद तुम लोग यहाँ पे आ जाओगे, तुम लोग ना इधर प्ले पे जाओगे, प्ले पे जाओगे, यहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स होते हैं जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, इंग्लैंड, सब जगह के होते हैं। ओके, तो इधर आके उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है पैराडाइज, पैराडाइज सर्च कर लो। पैराडाइज 2.0 का सर्वर है जहाँ पे हम खेलते होते हैं, बेस्ट सर्वर है पाकिस्तान का, एशिया का नंबर वन सर्वर है ये। तो यहाँ पे आओ, पैराडाइज सर्च करोगे, इस पे जाओगे तुम लोग, ये वाला लिंक है, येलो कलर का लोगो है, इसमें तुम लोग आ सकते हो। इसके फेक काफी सारे बने हुए हैं, कुछ बाहर के भी हैं, बट मैक्सिमम तुम लोग देखना इसमें सस्ता बंदे खेल रहे होते हैं, तो यही होता है जी। तो यहाँ पे भी इस पे आके यहाँ पे तुम लोगों ने आना है, और यहाँ से आके क्लिक करोगे, सिंपली आप लोगों ने ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन करने से पहले एक चीज याद रखना, तुम्हारे पास बेशक तुम्हारी जो GTA है वो तो स्टीम पे हो या एपिक पे हो, तुम लोगों के पास स्टीम जो है ना, स्टीम नॉर्मल स्टीम पे अकाउंट बनाना चाहिए तुम्हारे पास। मैं तुम लोग दिखाता हूँ स्टीम, रुको, ये स्टीम है, ये स्टीम पे तुम लोग डायरेक्टली इधर जाओगे गूगल के ऊपर, यहाँ जाके तुम लोग जो है स्टीम को डाउनलोड कर लोगे। इस पे जाना, तुम लोग लिखना स्टीम डाउनलोड। क्रैक वाली GTA नहीं, क्रैक वाली GTA से नहीं चलेगा, क्रैक वाली GTA से नहीं चल सकता, तुम लोगों को ओरिजिनल GTA लेनी पड़ेगी। परचेस तुम्हारे पास बेशक एपिक पे हो या रॉकस्टार पे हो, तुम्हारे पास स्टीम पीछे बैकग्राउंड में ऑन ही होना चाहिए। स्टीम डाउनलोड करोगे, स्टीम तुम लोगों ने इधर आके अकाउंट बना लेना, जीमेल से लॉगिन कर लेना स्टीम को, और कोई लंबा चक्कर नहीं है। स्टीम बैकग्राउंड में ओपन होना चाहिए, लॉगिन होकर उसके बाद तुम लोग 5M में आओगे, एंड यहाँ से सिंपली आके तुम लोग इसको कनेक्ट कर लो। कनेक्ट होने के बाद तुम लोगों ने इसको आके जैसे कनेक्ट कर लेना, नॉर्मल कनेक्ट का बटन दबाओगे, तुम्हारे सर्वर के थोड़े रिसोर्सेज डाउनलोड होंगे, रिसोर्सेज डाउनलोड होने के बाद तुम लोग सर्वर के अंदर बढ़ जाओगे। उसके बाद तुम लोगों ने काम करने, पैराडाइज का डिस्कॉर्ड है, पैराडाइज के डिस्कॉर्ड का लिंक जल्दी से मॉड सर दे दो चैट में। तो ठीक है, तो डिस्कॉर्ड का, पैराडाइज के डिस्कॉर्ड का लिंक दे दिया गया, आप लोग पैराडाइज का डिस्कॉर्ड लाजमी तौर पर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आके आप लोगों को हर चीज जो अपडेट सर्वर के मुताबिक से अनाउंसमेंट, यहाँ पे कीवी उज़ैफा छोड़ने की हंटिंग जॉब आ गई है, उसके बाद यहाँ पे तुम लोग को ओवरऑल सारी अनाउंसमेंट दिख जाएगी, इसमें हर मुताबिक है अनाउंसमेंट हो गई। इसके अलावा यहाँ पे, इसके अलावा ऑफर्स वगैरह, यहाँ पे आके तुम लोग अगर रियल मनी से कोई चीज इन गेम बाय करना चाहते हो तो उसके मुताबिक तुम लोग को यहाँ पे मिल जाएगी, गिव अवेज, आइटम शॉप, हेलीकॉप्टर शॉप, ये कार शॉप वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे सपोर्ट है, ये बढ़िया चीज़ है। अब जब भी तुम लोगों को मसला होगा तुम लोग सपोर्ट की वेटिंग आके बैठ सकते हो, और अगर तब कोई बंदा नहीं आ रहा तो तुम लोग जाके यहाँ से क्रिएट टिकट कर सकते हो। क्रिएट टिकट करके यहाँ पे क्रिएट टिकट करोगे तो यहाँ पे आके तुम लोग जो है यहाँ पे कोई ना कोई तो रिप्लाई देख देते, देखना कितनी दस्ती रिप्लाई आता है, चेक करना जरा, चेक करना कितना फास्ट रिप्लाई आता है यहाँ पे, अभी देखना तुम लोग फौरन रिप्लाई आ जाएगा यहाँ पे, देखना। उज़ैफा देखो टाइप कर रहा है, उज़ैफा ने देखो यहाँ पे लिखा है यस, तो मैंने उज़ैफा को रिप्लाई कर दिया, खड़ा नहीं हो रहा क्या करना चाहिए, उज़ैफा से मैंने ये पूछ लिया। तो इस तरह तुम लोग कोई मसले मसाले सर्वर ये मैं लिख दिया, जब से तुम्हारा मसला हल हो जाएगा तो तुम लोग यहाँ से टिकट को क्लोज कर देना, टिकट तुम लोगों ने कर दी क्लोज, तुम लोगों का मसला मसला कोई भी मसला पूछ सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम्हारा 5M को कोई इशू आ रहा है, या तुम्हारा कोई इशू आ रहा है रिगार्डिंग यू नो कनेक्शन से, या सर्वर में कोई तुम्हारा मसला मसाइल हो गया, किसी के रिपोर्ट करनी है, तो वो सारा यहाँ पे काम होता है। अगली चीज आ जाती है, तुम लोगों ने फैक्शन ज्वाइन करना है, पैरेड अब ज्वाइन कर लिया रोल प्ले, रोल प्ले में आने के बाद जो सबसे बड़ा मकसद होता है इंसान का वो होता है मैं जाऊँ क्या, मैं करूँ क्या। पहले तुम लोगों ने करना ये एक चीज होती है करेक्टर प्रोग्रेशन के नाम से, RP का एक रोल है, तुम लोगों ने कैरेक्टर प्रोग्रेशन में, जिस तरह मेरे साथ मलंग नाम का लड़का फिर रहा था, वो भी शहर में घूम रहा है, वो शहर में देखेगा, ऑब्जर्व करेगा कि मैंने क्या करना है, वो फिर चूज करेगा पीडी से, पीडी ज्वाइन करूं या मैं जाकर डकैतिया मारूं। अच्छा पीडी ज्वाइन करूं तो पीडी में क्या, पीडी में अब मैं पीडी ज्वाइन की तो पीडी मैंने किस तरीके से ज्वाइन करनी है, वो जाएगा रिसर्च करेगा उसके मुताबिक कि पीडी में क्या क्या होता है, उसके बाद वो आएगा पीडी ज्वाइन करने के लिए, उसकी एक पूरी बैक स्टोरी होगी कि मैं पहले यहाँ पे रहता था, पहले मैं ये काम करता था, पहले मैं भैंसू, पहले मैं खेतों में काम करता था, मेरे खेत जला दिए गए, उसके बाद मैं बहुत गुस्से में आ गया, मैंने कहा मैं गरीबों की हेल्प करूंगा तो फिर भी इसलिए मैं पीडी ज्वाइन करना चाहता हूँ, इस तरह की उसने एक बैक स्टोरी बना दी। कोई भी चुनाव देगी जरूरी नहीं है कि कोई उसमें सेंस बनाए। तो मैं फैक्शन मेरा LSPD है, तो मैं LSPD के मुताबिक बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे तुम लोग वकील बन सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस DOJ भी है यहाँ पे, तुम लोग जाके वकील बन सकते हो। इसके अलावा तुम लोग गवर्नमेंट में भी जा सकते हो, तुम लोग जाके इलेक्शन भी लड़ सकते हो, पर ये एक हायर लेवल की चीज़ है गवर्नमेंट, ये नॉर्मल तुम लोग नए आओगे शहर में तो ये नहीं, तुम लोग गवर्नमेंट में
जा सकते हो डायरेक्टली, उसके थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। विजुअल न्यूज है, तुम लोग जाके यहाँ पे पत्रकार बन सकते हो। ई एम एस और जो पी डी है ये जरा वाइल्ड लिस्ट सिलेक्शन डिपार्टमेंट होते हैं, और ये विजुअल न्यूज ठीक हो गया, मीन्स के इनका जरा ये वाइल्ड कॉलर जॉब्स होती है, यहाँ पे तुम लोग में जरा ज्यादा इज्जत मिलती है। इसके अलावा तो बाकी गैंग्स होती है, गैंग्स को ज्वाइन करना इतना मुश्किल नहीं है, गैंग्स से तुम लोग किसी वेटिंग में चले जाओगे ना, तुम लोगों का दिल है मैंने किसी गैंग को ज्वाइन करना है, फॉर एग्जाम्पल तुम डेविल्स की, इसके अलावा रईस की, इनकी वेटिंग में चले जाना, क्योंकि लीडर तुम लोगों को खींच लेगा, तुम्हारा छोटा सा एक इंटरव्यू लेगा और तुम लोगों को गैंग के अंदर भर्ती कर लेगा, ठीक हो गया। पीडी ज्वाइन करने के सबसे पहले तुम लोगों ने काम ये करना है, तुम लोगों ने जाना है पब्लिक पोर्टल में, ठीक हो गया। पब्लिक पोर्टल में तुम लोग गए, पब्लिक पोर्टल में तुम लोगों ने क्लिक कर दिया, ओवरऑल तुम्हारे पास यहाँ पे वेबसाइट एक खुल जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा प्रॉपर लिंक है, उजाफा साहब ने यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रूल्स आपको पता होने चाहिए, यहाँ पे आप लोग आओगे तो यहाँ पे देखोगे आप लोगों को प्रॉपर बताया हुआ है, आपको रूल्स पता होने चाहिए सर्वर के मुताबिक। यस मेन थिंग, पीडी या कोई भी गैंग या कोई भी फैक्शन ज्वाइन करने से पहले आपको आरपी के रूल्स पता होने चाहिए। आरपी के रूल्स कहाँ मिलेंगे बता देता हूँ, आरपी के रूल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, यहाँ पे आप लोगों आपको यहाँ पे आरपी के ओवरऑल रूल्स पता चल जाएंगे। इसको जरूरी नहीं ऊपर तक जाके पढ़ो, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको देख लो, कि थॉरली नहीं देखना, बहुत याद नहीं करने की, बस पढ़ लेना इसको एक दफा। गूगल पे जाना, गूगल पे जाकर लिख देना रोल प्ले रूल्स, रोल प्ले बेसिक रूल्स, और बेसिक रूल्स आपको हमें बता देंगे कि भाई आरडीएम वीडीएम कॉम्बैट लॉगिंग कॉम्बैट स्टोरिंग कॉम्बैट रिवाइविंग मेटा गेमिंग वगैरह क्या होता है, यही चार पांच रूल आपको पता होने चाहिए। मेन फ्लिक पोर्टल है, यहाँ पे हम लोग आएंगे, यहाँ पे आप लोग कोर्स हायरार्की ग्रुप्स एविएशन ब्लू एंजल्स क्या एफटीओस क्या फील्ड ट्रेनिंग ऑफिसर फ्लीट शोकेस ये सारा कुछ आपको इधर सारी चीजें आप लोगों को इस पोर्टल पे दिख जाएंगी। पोर्टल बहुत जेंगो किस्म का बनाया है, यहाँ पे देख सकते हैं पोर्टल एलएसपीडी का। ओके अब इसके अंदर आप लोगों को हर चीज, यहाँ पे सबसे पहले आपको एलएसपीडी के मुताबिक दिख जाएंगी, यहाँ पे रिस्पेक्ट डिग्निटी लॉयल्टी एफआईआर सिस्टम एमडीटी फोन ट्रैकिंग किस तरीके से होती है सारा कुछ। अब यहाँ पे आते हैं अवर टीम, ये आईजी मुकरम डीआईजी उजैफा यहाँ पे अयान साहब आरटी साहब सारे पीडी के बंदे तुम लोगों को यहाँ पे दिखेंगे, ओवरऑल मैनेजेरियल ऑफिसर्स है। तुम लोगों को एलएसपीडी के मुताबिक कोई मुताबिक कोई भी क्वेरी हो, ये सारी चीजें बताने के बावजूद लोग आके यहाँ से इनमें से किसी एक बंदे को जाके तुम लोग पूछ सकते हो, यहाँ पे सारी मैनेजमेंट अवेलेबल है, अयान वगैरह तो सारे उसमें है सपोर्ट में, पर तुम लोग इनमें से किसी को भी जाके पर्सनली डीएम कर सकते हो कि सर मेरा ये इशू आया, मैंने एप्लीकेशन भरी है, एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स नहीं आया, दिस एंड दैट क्या। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है रूल्स एंड कोड्स। सो व्हाट इज रूल्स एंड कोड्स, रूल्स एंड कोड्स एक नॉर्मल आरपी गैंग आरपी वगैरह में ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, लेकिन पीडी में होती है। आप लोगों ने सारे एक तो एलएसपीडी के रूल्स देख लेने, हाउ टू कफ हाउ टू अरेस्ट, आप लोगों ने एमडीटी कैसे बनाया, सारा कुछ मेनली चीजें यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगी। इनको एक बार इसको पढ़ लोगे ना आप लोग, मैं कहता हूँ यू विल डू एक्सेप्शनल इन द इंटरव्यू, अगर आप लोगों ने ये पढ़ लोगे ना, क्योंकि जो बंदा हमारे पास आते हैं ना उन्होंने पोर्टल ही नहीं देखा होता। कोई बंदा मुझे आके बताया था ना कि मुझे रेडियो कोर्स सुना देता चार पांच, मैं कसम से उस बंदे से इंप्रेस हो जाता, मैं कहता हूँ यार इसको नहीं भी रूल्स आते ना इसको रखो ये काम कुछ कर लेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बाद हम लोग हायरार्की के ऊपर, हायरार्की पे हम लोग आएंगे। हायरार्की में रैंकिंग सिस्टम होता है, पीडी के रैंक्स है तुम लोगों को याद होने चाहिए, अगर तुम लोग इंटरव्यू के लिए आ रहे हो तो पता होना चाहिए पीडी के अंदर टोटल 22 रैंक्स हैं, 23 है मुझे मिला के, तो वैसे टोटल नॉर्मली 22 होते हैं। कौन कौन से रैंक्स हैं सारे यहाँ पे, सारे के सारे रैंक्स वगैरह हैं सब कुछ पता चल जाएगा तुम्हें। क्लोथिंग क्या होती है पीडी की, कैडेट की क्या क्लोथिंग, क्लोथिंग के मुताबिक भी ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। एविएशन है, एविएशन हमारे पायलट पिट्ठू पायलट सारे हमारे जो हैं ये इसके मुताबिक सारी इन्फॉर्मेशन है। फिर ब्लू एंजल्स हमारे पीडी में एक बहुत आला चीज़ है, जो कि मैं बड़ा प्राउड हूँ कि यार मेरे उसमें आने के बाद ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसका आइडिया जरगाम साहब मुजफ्फर साहब का था, बहुत आला चीज़ है ये। एफटीओ डिपार्टमेंट है जो तुम लोगों को ट्रेन, अच्छा जब तुम पीडी ज्वाइन कर लोगे ना उसके बाद तुम लोगों को एक ट्रेनर साइन होगा, उसका हेड ऑफ एफटीओज है विंसेंट, ये ट्रेनर साइन करता होता है। ट्रेनर साइन तुम लोगों को हो जाएंगे, जो ट्रेनर्स होंगे वो तुम लोगों की ट्रेनिंग करवाएंगे ऑन अ डेली बेसिस, तुम लोगों को सारा सिखाएंगे आरपी के मुताबिक पीडी के मुताबिक सारा कुछ। एलएसपीडी के अंदर तीन ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स पे आ जाते हैं, तीन ग्रुप्स होते हैं क्यूआरएफ एलीट फोर्स एंड एटीएनयू, ये तीन ग्रुप्स होते हैं, हर ग्रुप का अपना अपना काम है, वो काम यहाँ पे लिखा हुआ है। एलीट फोर्स का मेनली कोडर्स में काम होता है, एटीएनयू एंटी टेररिस्ट यूनिट होता है और एंटी टेररिस्ट नेगोशिएशन यूनिट होता है, और क्यूआरएफ की रिस्पांस फोर्स होती है। नाम से जाहिर है इनके काम किस तरीके के होंगे तुम लोग खुद समझ सकते हो। एलएसपीडी फ्लीट ये प्रॉपर, इसके अंदर तुम्हारे पहले स्पीड में हमारे पास क्या क्या है, गाड़ियां कौन सी हैं, क्या क्या हमारा पुलिस स्टेशन किस तरीके का है, सारा कुछ इसके अंदर तुम लोगों को मिल जाएगा। होम पे जाके सबसे नीचे आ जाओगे, यहाँ पे बटन आ जाएगा तुम्हारे पास ज्वाइन का और डिस्कॉर्ड का भी, यहीं पे आ जाएगा। तुम लोग यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करो, अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालो, यहाँ पे आने के बाद अपनी एज लिखना, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 17 होती है, अगर आपकी आवाज थोड़ी ज्यादा मेच्योर आपको लगती है आप 16 लिख के थोड़ी इन्हेंसमेंट हम लोग कर लेते हैं उसके अंदर, तो यहाँ पे एज वगैरह, इसके सारे नाम रियल लाइफ नेम सब कुछ अकॉर्डिंगली लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। आप लोग पता है क्या एक चीज में कंफ्यूज बड़ा होते हैं कि भाई शायद हमने इंग्लिश में भरनी है, जरूरी नहीं इंग्लिश में, आप लोग रोमन उर्दू में लिख दो यहाँ पे, समझ लो, लेकिन आप लोग बात एक फॉर्मल तरीके से कर रहे हो, समझ रहे हो बात को, ये चीज होनी चाहिए आप लोग के अंदर, बस इंग्लिश में लिखोगे तो बहुत आला बात है। एप्लीकेशन भर दिया आप लोगों ने, एंड देन अब जो हमारा सिस्टम ने थोड़ा चेंज किया, पहले हम साथ साथ रिप्लाई देते थे, अब लोग हफ्ते में एक दिन फ्राइडे को, हर फ्राइडे को तमाम एप्लीकेशन के रिस्पॉन्स आ जाते हैं। कहां पे आ जाते हैं,
यहाँ पे LSPD एप्लीकेशन रिस्पॉन्स तुम लोगों को शो हो रहा होगा। यहाँ पे हर फ्राइडे को तमाम एप्लीकेशन के रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं एंड देन हर सैटरडे को आप लोग के इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं, संडे को सबकी कंबाइंड ट्रेनिंग होती है, बहुत बड़ी फील्ड ट्रेनिंग होती है। PC specs पे ऊपर आ जाते हैं। अगर आप लोगों ने 5M या GTA खेलना है ना, तो दो चीजें होती हैं। एक होता है GTA 5 नॉर्मल, जो कि ऑफलाइन वाली होती है, इसके अंदर आप जाके मिशंस वाली GTA 5 जिसको हम कहते हैं, GTA 5 के नॉर्मल सिस्टम रिक्वायरमेंट्स तो है, ठीक है ना। ये वाली सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आपकी सिर्फ चलेंगी ऑफलाइन GTA के ऊपर। देखो ये रिक्वायरमेंट्स है जो कि मिनिमम है, ये इधर रिकमेंडेड आया है, लेकिन ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है फॉर दी रोल प्ले, समझ लो कि रोल प्ले के अंदर खासतौर पे हमारा इस तरह का सर्वर है पैराडाइज, और उसके अंदर बेशुमार स्क्रिप्ट्स हैं, बेशुमार चीजें हैं करने को, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा पावरफुल पीसी चाहिए होता है। इसको बहुत इनहेंस करना पड़ेगा मेरे ख्याल में। Core i5 थर्ड जन है, इसको आपको ऊंचा जाना पड़ेगा, काफी ऊंचा। आप इसको Ryzen 5 3600 वगैरह के ऊपर आप चले जाओ। इसके बाद मेमोरी आपकी कम से कम भी कोई 16GB होनी चाहिए, ग्राफिक कार्ड आपका मिनिमम भी कोई 6GB का होना चाहिए मेरे ख्याल में, स्टोरेज आपके पास इतनी है, तो ये चीजें जरा आप लोग जहन के अंदर रख के उसके बाद आप लोग ज्वाइन करना। वो सब तो ठीक है, पर पीसी नहीं है कि भाई अब तुम लोगों ने साला को ज्वाइन कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद तुम जे भाई के साथ कैसे खेलोगे। उसके तो सबसे पहली चीज ये होती है कि जब आप लोग की एक हर बंदे की एक नजर होती है, पता होता है अगर आप पीडी में हो तो पीडी में जब आप एक अच्छा परफॉर्म करने लग जाओगे, एक उससे मकाम पे पहुंचोगे, जब लगेगा कि भाई हाँ, हम लोग दो हफ्ते तक ना एक बंदे को ऑब्जर्व करते हैं, अगर तो दो हफ्ते तक बंदा टिक गया तो फिर हाँ वो जे भाई के आगे स्ट्रीम पे भी जा सकते हैं और उसको प्रॉपर एक आरपी कप करने का मौका मिलता है। वहीं से ही आगे सारे बंदे जाते हैं, कोई ऐसा नहीं रॉकेट साइंस कि भाई कोई फॉर्म बनते हैं या बंदों के इंटरव्यूज होते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता। नॉर्मल जिस तरह नॉर्मल बंदे होते हैं ना जाते हैं आगे जे भाई के साथ खेलने के लिए, वैसे ही बाकी लोग भी जाते हैं, सब लोग उस तरीके से ही जे भाई के साथ भी खेलने को जाते हैं। तो वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई आपको फॉर्म नहीं फिल करना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, नॉर्मली आके बस सर्वर में खेलना है और आप लोग प्रॉपरली वहाँ पे भी जा सकते हो।